विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, बस उसी जगह कार्य हुआ है जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के पदाधिकारी रहे हो, और कहीं भी मोहल्ले में कहीं भी विकास नहीं। आज भी सब गलियाँ कच्ची हैं, सब जगह पानी पीने की समस्या है, खड़पे का भी कोई काम नहीं है, ना ही कोई चौका पटिया है। हमारे यहाँ इतना गंदा पानी आता है लगातार, हमारे हर मोहल्ले के सब जितने भी नागरिक हैं सब जाके आर ओ का पानी 20-20 रुपये लीटर, 30-30 लीटर प्रतिदिन, दिन भर में 4 बार लेते हैं। पिंटू जी, बात की जाए तो अगले सभासदी चुनाव में आप सेकेंड फाइटर थे जी, सेकेंड फाइटर जी, और इस बार आप निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बात हो गई कि जो पार्टी ने टिकट आपको नहीं दिया? समाजवादी पार्टी में हमने बीजेपी 4 महीना पहले छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। मैं पुराना कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का था। इस बार समाजवादी पार्टी इस तरीके से टिकट बांटा है कि जिसमें कि हम लोग सोचने में भी मजबूर हो चुके हैं, कहीं पैसे का नाम आ रहा है तो कहीं पौए का नाम आ रहा है तो कहीं बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, मतलब जातिवाद के कारण भी ऐसा हुआ मेरे साथ। लेकिन क्या अब 5 साल में, अगर सेकंड फाइटर थे, अगर ये चुनाव जीतते हैं आप, तो क्या 5 साल में कितनी विकास कर पाएंगे? अगर जो भी कहा 5 सालों में नहीं हुआ, अगर हम जीतते हैं तो निर्दल अगर हम प्रत्याशी बनकर अगर जीत जाते तो नगर निगम से सबसे पहले तो हम अपने यहाँ के पीने का पानी का काम सबसे प्रथम करेंगे, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा समस्या है। दूसरा काम सीवर की काम करेंगे, और तीसरा चौका और पटिया, बाकी और जितनी भी समस्या है अपने जनता का, अपने नागरिकों का, अपने अपने दिल से लगाकर काम करने का काम करेंगे। अपना पूरा नाम है अनीता सोनकर अर्जुन। देखा जाए तो अधिकतर इस वार्ड में गंदगी का अंबार देखने को मिलता है, अधिकतर देखा जाए तो कुछ दिन पहले भी यहाँ एक बाड़ा हुआ करता था, कसाई बाड़ा जिसको नाम था, बहुत इधर के क्षेत्र पर बदबूदार होती थी, और अब जो है कि अधिकतर गंदगी देखने को, तो कैसे इसको अब मैनेज करेंगे, किसको चुनेंगे कि ये गंदगी हट? देखिए, पिछले बार भी हम लोग पिंटू सोनकर का भी साथ दिए थे, और इस बार भी उन्हीं का साथ देके उनको विजयी बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कतें पीने के पानी को लेके है, और इस तरीके से मतलब सीवर का पानी उसमें आ रहा है कि आदमी मजबूर हो गया है। यहाँ पे चार चार ट्यूबवेल होने के बावजूद, वार्ड नंबर 11 में 4-4 ट्यूबवेल होने के बावजूद यहाँ पे पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, और ना ही यहाँ पे पटिया चौका, और ना ही यहाँ पे कोई भी गलियों में आप चले जाएँ कूड़े का अंबार है, साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं। नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं सफाई के नाम पे, उन लोगों से सिर्फ पैसा लिया जाता है, उनके जगह पे कोई भी एक संविदा वाला लड़का, दो लड़के आगे काम करते हैं सिर्फ अपने हिसाब से। बाकी पूरे वार्ड में जो गंदगी थी, जितनी भी गंदगियां थी, उसमें अभी तक सिर्फ बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन घटने का नाम नहीं ले रहा है। भैया, आप नवयुवक हैं, और देखा जाए तो ये नगर निगम चुनाव नवयुवकों का चुनाव होता है अधिकतर, मतलब इसमें नवयुवक बहुत भागीदारी करते हैं। ये हुकुलगंज 11 नंबर वार्ड में कितनी व्यवस्था 5 साल में देखने को मिली? यहाँ व्यवस्था विगत 5 सालों के ही नहीं, विगत यहाँ 20 सालों से, आज हमारी एज समथिंग 35 ईयर्स होगी, मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ। यहाँ 20-25 सालों में विकास के नाम पे कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पानी की समस्या सबसे बड़ी जन जन के हर घर की समस्या है, क्योंकि मैं खुद आर ओ का 20 रुपये गैलन का पानी मंगा कर पीता हूँ। और मुद्दे की बात यह है कि 4 ट्यूबवेल होने के बावजूद बीजेपी का सांसद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ के मेयर बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, सारे लोग बीजेपी से जुड़े होने के बावजूद हमारे माननीय विगत बीते हुए 5 वर्ष के जो माननीय पार्षद जी हैं, उनके नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनका नाम तो हर क्षेत्र हर जुबान पे लोगों के है, उनकी बुराइयों के आभार अब लगे हुए हैं। चेंज होने का उम्मीद है? जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और पिंटू सोनकर जी का व्यवहार, व्यक्तिगत मान सम्मान जनता के बीच में लगातार बने रहते हैं, उनको 2 बजे रात को भी कोई पुकारता है तो वो जाते हैं, अपने पैसे से लोगों को बाढ़ में पीड़ितों का इतना मदद करते हैं, पानी तक अवेलेबल कराते हैं। और माननीय हमारे पार्षद जी पानी का सुधार तो तब न करेंगे अगर वो पानी का सुधार मोहल्ले में कराते हैं, वार्ड में कराते हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं जिनका पानी का व्यवसाय है तो वो ठप तो पड़ ही जाएगा। बाबा, त्योहार का समस्या है, पानी का सबसे ज्यादा समस्या है, पानी का सीवर का बहुत ज्यादा समस्या है, जगह जगह पहले जो सभासद रहलन का ऊपर ध्यान ना देलन, न ध्यान देलन, ध्यान देने के बाद अब जो ना छोटा छोटा सीवर लगा ला सब भ्रष्ट चला था, और 77 गली गली में जो ना ठेना भर पानी लग जाता। हुकुलगंज वार्ड में चेंजिंग देखे के मिली चुनाव के बाद? मैं तो रखल जाता, मेहनत यही बजे करल जाता कि चेंजिंग करल जाए।